Uh, जो स्टूडेंट्स हैं इनका uh, इनको सिखाने के लिए सोशल लर्निंग स्किल्स हों या एकेडमिक तो बहुत कम हम इन बच्चों को सिखा सकते हैं बेसिकली हम इनको यूज़फुल मेंबर बनाने के लिए सोसाइटी का uh, इनकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं कुछ टास्क मैनेज करते हैं जिसमें कम अज़ कम ये खाना पीना जो है वो ख़ुद से शुरू कर दें इंडिपेंडेंट ईटिंग शुरू कर दें टॉयलेट ट्रेनिंग इनकी करवाई जाती है उसके बाद इनका जो एग्रेशन है इन बच्चों में एग्रेशन बड़ा कॉमन है तो उस एग्रेशन को कंट्रोल करने के जो तरीका है वो एक तो मेडिकेशन होती है दूसरा स्टूडेंट्स को ग्रुप वर्क में जब इन्वॉल्व किया जाता है और छोटी छोटी गेम्स उनको जो है वो अगर उनको कोई फ़िज़िकल हैंडी नहीं है वो तो फिर उनको छोटी छोटी गेम्स जो हैं वो थोटी जम्प्स या सर्कल में इस तरह से घूमना और उस तरीके से भी उनको काउंटिंग सिखाई जाती है या उस तरीके से भी उनको सोशल लर्निंग जो है वो सिखाई जाती है तो इस तरह से मैथ्स की जैसे अगर उनकी इंटेलिजेंस जो है वो नाइन्टी और एट्टी के दरमियान है तो आप अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट एकेडमिक सिखाना चाहते हैं तो जैसे मैथमेटिक्स है तो हम उनको सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है बजाय ये कि हम बोर्ड के ऊपर टू प्लस टू लिखें बल्कि हम उनको जो रियल लाइफ सैनैरियोज़ हैं तो जैसे आप के ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं आपका फ्रेंड कौन है आप और आपके फ्रेंड मिल कितने बने इसी तरह से जो है वो फ़ूड उनको दिया जाए तो उसमें भी दो स्पून रख दिए जाएँ और एक डिश में जो है वो ये टोटल कितनी चीज़ें बनती हैं यानी इस तरह की जो छोटी छोटी रियल लाइफ जो उनके रियल uh, लाइफ जो उनकी इक्विपमेंट्स हैं या uh, जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं उनके साथ उनको एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाया जाना चाहिए इस तरीके से वो उन चीज़ों को यूज़ करना भी सीखते हैं और साथ ही एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स भी सीखते हैं तो इस तरीके से जो टीचर्स हैं इस तरह की स्ट्रैटीज़ यूज़ करके इन बच्चों को टीच कर सकते हैं अदरवाइज अगर बुकिश नॉलेज जो है वो इनके लिए बहुत मुश्किल है इसके अलावा इनको वीडियोज़ के थ्रू भी जो है मुख्तफ़ मॉडल्स बच्चों के दिखाए जा सकते हैं जिसमें बच्चों को वो देखते हैं कि वो किस तरीके से खा रहे हैं पी रहे हैं उसके बाद जो है इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बच्चों को साथ साथ आपने टोकन देना है टोकन से मुराद है कि आपने उनको मोटिवेट करना है कोई भी वो काम अच्छा करते हैं तो फुली उनके लिए क्लैप करवाई जाए और उसके बाद जो है फ़ौर से उनको एक छोटी एक कैंडी दे दी जाए उसको काम कम्प्लीट करने पर इससे उनके अंदर जो हैप्पीनेस और मोटिवेशन है वो इनक्रीज़ होती है और हम उनको बाकायदा से आम बच्चों की तरह ए, किताब को फॉलो करना नहीं सिखा सकते हाँ पिक्टोरियल जो एक सेशन है जिसमें पिक्चर्स होती हैं पिक्चर्स भी उनको बड़ी अट्रैक्ट करती हैं जिसमें कलरफुल पिक्चर्स के साथ जो है उनसे पूछा जाए आप कौन सा फ़ूड खाना पसंद करते हैं और ये जो फ़ूड है उसी कलर में बना के उनके सामने उनको दिया जाए बा ईटिंग हैबिट्स भी इनकी बड़ी डिफरेंट होती हैं और इनको फूड का इतना टेस्ट का अंदाज़ा नहीं होता और बाज़ एक ही फूड ये बार बार खाना पसंद करते हैं जहाँ पे इनका माइंड का सिग्नल जो है वो जिस तरह से इनको सिग्नल आता है माइंड से उसी तरह से बाज़ इनका माइंड स्ट्रक हो जाता है किसी एक चीज़ पर और ये बार बार उसी टास्क को रिपीट करते हैं कि एक ही चीज़ को तो इस तरह से इनकी जो ट्रेनिंग है वो करवाई जा सकती है क्योंकि जो पेरेंट्स को और टीचर्स को जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है वो इनकी जो एक टॉयलेट ट्रेनिंग होती है दूसरे नंबर पे ईटिंग जो इनका है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और तीसरे नंबर पे इनकी मूवेबिलिटी जो होती है कि ये अगर मूव एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे उनको मूव करना बड़ा मुश्किल होता है और फिर कुछ बच्चों को स्पीच हैंडी कैपनेस भी उसके साथ है वो अच्छी बोल भी नहीं सकते एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते उन्हें कोई अगर तकलीफ़ है तो वो भी बस रो के क्राई करके मुख्तफ आवाज़ें निकाल के बताते हैं तो टीचर्स को साइन लैंग्वेज भी आनी चाहिए साइन लैंग्वेज भी बच्चों को सिखानी चाहिए जिन बच्चों का कुछ बोलने का भी अगर इशू आता है तो इंटलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है इसके साथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं और वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो है उसका नॉलेज एक टीचर को होना चाहिए कि ये सिर्फ़ इसकी इंटेलिजेंस का इशू नहीं है बल्कि इसके साथ इसकी फ़िज़िकल हैंडी भी है इसकी स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत है और इसको और किस्म की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी वे फेस कर रहा है तो ये जब टीचर को ये बताओ कि बच्चा जानबूझ के इस तरह एक्ट नहीं कर रहा बल्कि उस बेचारे की जो अंदर से एक माइंड सिग्नल है वही उसको इस तरह का काम करने के लिए कह रहा है तो चूँकि बच्चे ये आसानी से नहीं सीखते इसलिए टीचर्स को इसको इनको एक काम को जितनी दफ़ा भी रिपीट कराना पड़े कराना चाहिए और एक काम को अगर एक हफ्ते का टास्क वो रखते हैं कि एक हफ्ते में इनको सिखाया जाएगा तो हफ्ता भी जो है वो रख लेना चाहिए क्योंकि हमें हम जल्दी से अगर आम बच्चों की तरह चाहें कि ये सीख जाएंगे तो ये बच्चे नहीं सीखते तो ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो एक ट्रेन टीचर जो है उसको पता होते हैं तब जाके ये बच्चे जो हैं कुछ यूज़फुलनेस की तरफ आते हैं अगर इनकी प्रॉपर कोचिंग और काउंसलिंग जो है वो स्कूल और घर में की जाए